हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है जेंडर डिस्फोरिया। DSM-5 के हिसाब से, जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की बुक है जो कि मेरे हाथ में है, DSM-4 में इसको बोलते थे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब परेशानी, तो ये वर्ड हटा दिया गया है, अब इसको चेंज करके कर दिया गया है जेंडर डिस्फोरिया। इसका मतलब है कि जैसे एक लड़की है, वो लड़का बनना चाहती है, तो वो अपने जेंडर को लेके खुश नहीं है, उसका लगता है कि काश मैं लड़का होती। तो ऐसा जो है कुछ लोगों में होता है, बहुत कॉमन तो नहीं है, बट जिनमें भी होता है ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे वो लड़कियां जो लड़का बनना चाहती हैं। इसके 6 क्राइटेरिया हैं DSM-5 के हिसाब से, जो मैं एक बाय एक आपको बताऊंगा। पहला क्राइटेरिया है इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि वो है तो लड़की, बट उसका मन करता है काश वो लड़का होती, या काश वो लड़का हो जाए, कुछ भी करे भगवान। कि कई बार तो पेशेंट क्लिनिक पे आके ऐसा बोलते हैं, पेशेंट्स वर्ड मैंने गलत यूज़ किया, कि जो बच्चे आते हैं वो ये बोलते हैं कि सर, हमारा मन करता है जब हम सुबह उठे ना, तो हम सब कुछ ही बदल चुका हो, मतलब कि मेरी पूरी बॉडी ही बदल गई हो, और काश मैं जो हूँ वो लड़का बन गई हूँ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट है कि वो चाहती हैं, वो लड़कियाँ जो लड़का बनना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि गेट रिड ऑफ देयर सेक्शुअल ऑर्गन्स, मतलब कि मेरी चेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, और जो मेरा नीचे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो मेल की तरह हो, ना कि फीमेल की तरह। उसके बाद तीसरा पॉइंट है टू हैव सेक्सुअल ऑर्गन्स और लाइक मेल्स। इसका मतलब जो है, जैसा सेक्सुअल फीमेल वाले तो हट जाएं, और जो मेल वाले सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वैसे ही मेरे पास हों जैसे कि बाकी मेल्स हैं। बात करने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज़ में जो है उनकी मेलिश फीलिंग होती है। उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी अदर जेंडर। कई बार जो हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करती हैं लड़कियाँ कि वो बाइंडर्स पहने ताकि उनकी चेस्ट का पता ना लगे, ढीली शर्ट्स पहने ताकि उनके पता फ्लैट लगे चेस्ट जो है, बाल जो है वो बॉय कट जैसे कर लिए, चाल जो है वो बॉयश हो। तो अगर ऐसा सब करने पे उनको कोई लड़की समझता है, तो उनको लड़का समझता है, तो उनको बहुत खुशी होती है। पर अगर उनको कोई लड़की की तरह ट्रीट करता है, या कन्फ्यूजन में रहता है कि ये लड़का है या लड़की, तो उससे उनको काफ़ी बुरा लगता है, इमोशनली काफ़ी परेशानी होती है। इसमें पेरेंट्स के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट हम अडल्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 18 साल से ऊपर के बच्चों की। बट ये है कि 18 साल से ऊपर के वो बच्चे तो हैं अभी, फाइनेंशियली तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एजुकेशन भी उनकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उनमें तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जो लोग 30-35 साल की उम्र में आ चुके हैं और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, घर में सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, वो थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और उनमें करेज आ चुकी होती है, और वो अपने आप को समझ भी पाते हैं और ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाते हैं। बट जो बच्चे 18 से 25 साल के बीच में हैं, अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, उनको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इवन सोसाइटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जहाँ पे वो काम करने जाते हैं वहाँ पे लोग इनको समझ पाएँ। तो इन वीडियोज़ के द्वारा हमारी यही कोशिश है कि हम जानकारी जितनी से ज़्यादा ज़्यादा हो, और जो साइंटिफिकली सही है वो लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो उसका अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी ट्रीटेड एज। ट्रीटेड एज का मतलब है जैसे सोसाइटी डिफाइन करती है कि लड़के ये काम कर सकते हैं और लड़कियां ये काम कर सकती हैं, तो वो लड़की तो है, बट उसका मन करता है कि क्यों, मैं क्यों लड़कों की तरह फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकती, मैं क्यों रात को लेट नहीं जा सकता। मतलब वो बोलने में भी उनके जो वर्ड होगा वो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। मैं भी पार्टी पे जाऊंगा, मैं भी मज़े करूंगा, मैं भी खाऊंगा, जो बचपन में तो ठीक लगता है, बट जब 18-20-25 साल की उम्र हो जाती है, तो लोगों को लगता है ये तो बदला ही नहीं, हमें तो लग रहा था कि शायद ये समय के साथ बदल जाएगा। और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है जब घर वाले आते हैं, वो ये नहीं चाहते कि इसको आप बताइए कि जेंडर डिस्फोरिया है, वो ये चाहते हैं कि कुछ भी करो, इसका ब्रेन वॉश करो, इसको दवाई दो, इसको काउंसलिंग करो। पेरेंट्स यहाँ तक कह देते हैं कि आप इसके बिजली के झटके लगा दीजिए अगर इसका दिमाग बदल सकता है, और कुछ कुछ भी करना इलीगल है, क्योंकि उसका हक है कि अगर वो लड़की से लड़का बनना चाहती है तो उसका पूरा पूरा हक है कि साइकेट्रिस्ट उसको सर्टिफाई करे, उसके वो अपने आप अपना हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट करें, और उसके कुछ महीनों कुछ सालों के बाद वो अपने सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ कि वो एक्चुअली बिल्कुल लड़कों की तरह ही लगेंगे, और कोई आम इंसान तो बता भी नहीं पाएगा कि वो कभी लड़की थी भी। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और टिपिकल फीलिंग्स। जो इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, जैसे बात बात जो इमोशनली फील करते हैं हम अपने बारे में, ऐसे जब सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है तो एक लड़का जो है वो आम तौर पे लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होगा 98% to 97% में। तो यहाँ पे ये जो लड़कियाँ हैं ये खुद को लड़का समझती हैं, जब पार्टनर ढूंढने की बात आती है सेक्सुअलिटी के लिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की हम बात करते हैं, तो ये लड़कियों को चूज़ करेंगे। रेयरली सेम सेक्स भी हो सकता है, बट दैट इज़ टू रेयर, बिकॉज पहले जेंडर डिस्फोरिया रेयर है, उसके बाद वो तो और भी रेयर हो जाएगा। तो आमतौर पर ये जो लड़कियाँ हैं ये खुद को लड़का समझती हैं,
और इमोशनल फीलिंग्स भी लड़कों वाली होती है, और इमोशनल फीलिंग्स लड़कों वालों जो होती है वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन होती है। तो ये शादी करना, और जब घर वालों का प्रेशर पड़ने लगता है कि अब शादी करो शादी करो शादी करो, तो कई बार पढ़ाई के बहाने या किसी और बहाने घर छोड़ देते हैं, या फिर शादी हो भी जाती है तो वो टूट जाती है अक्सर, बिकॉज़ वो डिज़ायर पूरा ही नहीं कर सकते जो सामने वाला चाहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका दर्द आपके साथ शेयर करना चाहता था, और उनको तो हेल्प करना ही चाहता हूँ जो इस प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सोशली साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट मॉरली सोशली रिलीजियसली तो बहुत ही बड़ा इशू है। और जब कमेंट्स भी आते हैं इस तरह के वीडियो के नीचे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आते हैं, बिकॉज जो लोग नहीं पसंद करते हैं उनको लगता है ये वेस्टर्न सभ्यता से ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप महाभारत में भी जाएंगे तो शिखंडी का जो करेक्टर था वो मेल टू फीमेल ही था, तभी वो फीमेल की तरह ड्रेसअप करता था, इसलिए भीष्म पितामह जी ने उन पर तीर नहीं चलाया एंड सो ऑन। तो ये कोई वेस्टर्न कल्चर का फ़र्क नहीं है, ये शुरू से सालों साल से प्रेजेंट है, हमारे लिटरेचर में भी प्रेजेंट है, हम नहीं समझ पाते वो एक अलग बात है। तो अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं, और आप जो हैं शेयर कर सकते हो आप उनके साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, आप उनके माँ बाप के साथ जो समझना चाहते हैं इस चीज़ को, और आप कमेंट बिलो कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियोस मिल जाएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।